Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर smart digital classes, computer lab, science lab, rich library, indoor and outdoor game, dance and music, art and craft, 24/7 backup security के साथ transport facility भी उपलब्ध है. Educated and experienced teachers, जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहाँ बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं. आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध. हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़. आजमगढ़ में सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी जीत दिलाने की कोशिश में जुटे सपाई अब गुंडई पर आमादा हैं. पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भांजे व पूर्व MLC कमला प्रसाद यादव रविवार को अखिलेश यादव का प्रचार करते हुए मेहनगर विधानसभा के फिनहिनी गांव के चौहान बस्ती में पहुंचे. चौहानों के घर पर BJP का झंडा देखा तो आपा खो बैठे. कमला ने चौहानों को भाजपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा लगाने और समाजवादी पार्टी को वोट देने का फरमान दिया. अपने असलाहधारी गनर के साथ पहुंचे कमला यादव का गांव वालों ने विरोध किया. झंडा बदलने से इनकार किया तो नाराज कमला यादव और उनके समर्थकों ने गांव वालों की पिटाई शुरू कर दी. मारपीट में कई लोग घायल हो गए. बात इतनी बढ़ गई कि गांव के लोग लामबंद होकर कमला प्रसाद का विरोध करने लगे. भीड़ का गुस्सा देख पूर्व MLC मौके से खिसक लिए. इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह का कहना है कि यूपी में कानून का राज है, सपाइयों की गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कठोर कार्रवाई होगी. कमला यादव विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं और उस गांव में भारतीय जनता पार्टी के वो चौहान जो बस्ती है वो सब डिवेटेड कार्यकर्ता हमारे पहले से, और इनके मन में पता नहीं क्यों ऐसी बात आई है. पहुंचने के बाद सारे लोगों को, गांव के लोगों को बुलाते हैं. बुलाने के बाद केवल एक ही बात कहते हैं कि जैसे मैं कहूं वैसे करना है चुनाव में. अगर ज़रा से भी आप लोग कहीं से कोई गलती करेंगे तो बाद में आप लोगों को ठीक करूंगा. तो मेरा कार्यकर्ता कहा कि भाई ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, हमको देश देखना, हमको MP का चुनाव नहीं, हम देश का चुनाव करने जा रहे हैं, देश के भविष्य का चुनाव करने जा रहे हैं, अपने भविष्य का चुनाव करने जा रहे हैं. इसके बाद इनके गुर्गे और तमतमाए और राइफल और बटों से उसके ऊपर हमला बोले. कुछ लोग उसमें छुड़ाने का जो प्रयास किए तो उनके ऊपर भी हमला बोला गया. वो तो वीडियो क्लिप भी आप लोगों के पास मिली होगी, आप देख रहे होंगे कितनी महिलाएँ वहाँ मर्माहत हैं. भगदड़ जैसी स्थिति हुई, गांव से लोग प्लान करने लगे राइफल बंदूक जब देखे.
और काफ़ी स्थिति हो गई। इतना ही नहीं, इतना भयंकर मारे पीटे भी और वो सब गंभीर रूप से घायल हुए और वो डर और भय दहशत के नाते बेचारे हॉस्पिटल तक नहीं आ पाए। तो लेकिन जब मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे संज्ञान में बात दी गई, मैं गोरखपुर में बैठक में तुरंत मैंने कप्तान से बात किया और कप्तान से बात करने के बाद फोर्स पहुँची, हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, उनको हॉस्पिटल लाए। इसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अभी कमला यादव एमएलसी फरार हैं। निश्चित रूप से उनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई हो, कार्रवाई होगी, ठीक से होगी और ये अपराधी गुंडे बक्से नहीं है। मैंने अपने घटना के बाद गांव के लोग मेहनगर थाने पहुंचे और कमला प्रसाद यादव के साथ ही 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जानकारी होने पर आला पुलिस अधिकारी कई थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से गांव में फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूर्व एमएलसी समेत अन्य की तलाश की जा रही है। देखिए, लोग जाकर के मत बताओ को प्रभावित कर रहे थे, उस संदर्भ में मुकदमा कायम हुआ है, उसमें दो लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। ये लोग प्रभावित यूँ कर रहे थे कि ये जाकर के कह रहे थे कि ये कोई दूसरा प्रचार नहीं करेगा और किसी दूसरी पार्टी का झंडा नहीं लाएगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। सत्ता के सिंहासन के फाइनल मुकाबले में जिले की दोनों लोकसभा सीटों की समीक्षा के लिए सोमवार को बीजेपी के यूपी प्रभारी व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संगठन मंत्री सुनील बंसल आजमगढ़ पहुंचे। शहर के एक होटल में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया और चुनाव की बारीकियों को बताया। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में 74+ सीटें जीतेगी, जिसमें आजमगढ़, अमेठी और रायबरेली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी जी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। कहा कि आज यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, यह सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महामिलावट महाफेलियर है, मुद्दे, व्यक्तित्व, वातावरण और पार्टी के आधार पर चुनाव जीते जाते हैं, गठबंधन से नहीं। सारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक सुनामी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में बह रही है। आज चौथे चरण में भी जिस जोश के साथ लोग चुनाव में उतर रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से बताता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले ही 74+ हम जाएंगे। आज की 13 की 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी आगे है। सर, आजमगढ़ प्रतिष्ठा की सीट है सर, यहाँ भी प्रतिष्ठा से चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अमेठी सर, सभी सीटें राय। अभी हम यहाँ पर आए थे और आजमगढ़ और लालगंज के लोकसभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मुलाकात हुई। चुनाव की दृष्टि से जो बारीकियां हैं, जिन बारीकियों पर हम चुनाव को सफलता की ओर ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन बारीकियों पर चर्चा हुई। संगठन और यहाँ की जनता में बहुत उत्साह मैं देख रहा हूँ आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक तरफा आशीर्वाद देने का लोगों ने मन बनाया है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको हम ईवीएम की मशीन में परिवर्तित कर पाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जहां तक महामिलावट का सवाल है, आज वह इश्यूलेस हो चुका है। पत्रकार भी हमसे नहीं पूछ रहे हैं उसके बारे में। यह अपने आप में बताता है कि यह महामिलावट महाफेलियर है।
और यह कहीं भी सफल नहीं हुआ। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि यह केमिस्ट्री है, यह फिजिक्स नहीं है, और इस तरीके से वोटों का जोड़ जोड़ करके इलेक्शन नहीं जीते जाते। मुद्दे व्यक्तित्व, वातावरण और पार्टी के आधार पर जीते जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से पूरा कर रहा है। यहाँ पूर्वांचल में दलित मुस्लिम नामी गांजा तस्कर व सप्लायर हरीश चंद यादव सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उसे 12 पैकेटों और 2 बोरियों में रखे कुल 1 क्विंटल 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। गांजे की सप्लाई के लिए प्रयुक्त वैगनार गाड़ी को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेण सिंह ने बताया कि देवदत्तपट्टी निजामाबाद निवासी गांजा तस्कर हरिश्चंद यादव उर्फ हरीश के पीछे एसओजी टीम लगाई गई थी। एसओजी टीम ने तहबरपुर के पास चल रही वाहन चेकिंग टीम को अलर्ट किया और प्रभारी निरीक्षक तहबरपुर देवानंद ने सोफीपुर नहर पुलिया चौराहे के पास से गांजा तस्कर को मैं गांजा गिरफ्तार किया। हालांकि इस दौरान गाड़ी का चालक सूर्यभान गौतम निवासी अहरौला भागने में सफल रहा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त के पास से बरामद 12 पैकेटों व 2 बोरियों में रखे कुल 1 क्विंटल 1 किलो गांजे की कीमत लगभग 20 से 25 लाख है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गांजे का इस्तेमाल किया जाना था। देखिए, आज चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए तहबरपुर में इंस्पेक्टर द्वारा प्रातःकाल चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें ये बरामदगी हुई है। 1 क्विंटल 1 किलो ये गांजा बरामद हुआ है। जानकारी हुई है कि ये हरिश्चंद यादव पहले भी गांजा की तस्करी में हुआ करता था और एक बार पहले भी जेल गया है। ये लोग नॉर्थ ईस्ट से लाते हैं और यहाँ पे आकर के ये सप्लाई करने वाले थे, तभी इसको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ एक बदमाश भागा हुआ है और एक गाड़ी और 1 क्विंटल 1 किलो गांजा बरामद हुआ है। लगभग कितनी कीमत होगी इसकी? जो मार्केट की कीमत बताई जा रही है वो कम से कम 20-25 लाख रुपए कीमत है। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर एबीसी चैनल ने अपनी जागो मतदाता जागो मुहिम को लगातार जारी रखा है। मुहिम के अंतर्गत सोमवार को हमारे संवाददाता प्रदीप यादव ने महाराजगंज निवासी शिक्षक अरुण कुमार मिश्र, मोहम्मदपुर निवासी शिक्षक अजय मिश्र व अधिवक्ता जगदीश सिंह से बातचीत की। शिक्षक अरुण कुमार मिश्र ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के संपन्न लोग मतदान के दिन को छुट्टी के दिन के रूप में लेते हैं, वे घर से न निकल गलत करते हैं, उन्हें जागरूक किया जाना जरूरी है। इसके साथ साथ बेरोजगारी व पुरानी पेंशन के मुद्दे को उन्होंने सबसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया। मतदान 5 वर्ष में अमूमन आता है और यही एक ऐसा अवसर है जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य, अपने देश का, अपने जो सुविधाएं हैं उसका निर्धारण करते हैं। एक वोट इसका बहुत महत्व है और ज़्यादातर लोग जो संपन्न, खासतौर पे जागरूकता से संबंधित प्रोग्राम तो मैं मानता हूँ कि शहरों में चलाया जाना चाहिए, जहाँ लोग संपन्न हैं और अपने घरों में रह करके टीवी देखते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कार्य जो है वो करके और 5 साल पछताने का कार्य करते हैं, उनको घर से निकलना चाहिए और वोट की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इस तरह का और भी जानकारी में उनके आएँ, उनको भी जागरूक करना चाहिए कि भविष्य में आप फिर कोई शिकायत करने की स्थिति में नहीं रहेंगे यदि आप वोट में। मुद्दा मुख्य रूप से तो बेरोजगारी, बच्चों की जो पढ़ करके बच्चे निकल रहे हैं उसमें उनको रोज़गार मिलना चाहिए और कुछ कर्मचारी संगठन जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, सांसद विधायक जी लोग पुरानी पेंशन लेने पर
न लेने पर कोई हामी या नहीं करते हैं, लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो। मोहम्मदपुर निवासी शिक्षक अजय मिश्र ने कहा कि एक दिन का अपना दायित्व तो हम न निभाकर अपने 5 साल का नुकसान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक वो देश की कृति रीति बदलने में सक्षम है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, ABC चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने इस बारे में मुझे बोलने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मतदान तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में सभी लोगों का अधिकार है कि अपने मत का उपयोग करें। एक एक मत हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें 5 साल के लिए, अगर एक दिन के लिए हम अपना मत न दें तो 5 साल के लिए हमारा नुकसान हो सकता है। और इसके लिए अवश्य हम वोट देने जाएं। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वहां मतदान अवश्य मतदान बूथ पर जाएं और अपने मतदान का उपयोग करें। देखिए सर, मुद्दा यहाँ पर बहुत सारे हैं। मुद्दे के बारे में तो सबसे पहला मुद्दा तो बेरोज़गारी है। जहाँ तक हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि आए दिन रोज़ हमारे किसान आए दिन रोज़ आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर क्या है? इस पर कुछ बातें करनी चाहिए, इस पर बात बननी चाहिए। सरकारें आती हैं, करती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हैं, करती हैं, लेकिन एक ठोस मुद्दा होना चाहिए इस पर। अर्थात बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश के विकास के लिए। तो बेरोज़गारी एक मुद्दा है, साथ ही साथ बेरोज़गारी तभी जाएगी जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सही होगी। और शिक्षा व्यवस्था सही होने के लिए एक अच्छे से अच्छे व्यवस्था की करने, अच्छे से शिक्षा व्यवस्था की हमारे संचार हो, जो भी विभाग आए, जो भी सरकारें आएँ, वो शिक्षा पे सुदृढ़ और सत्यता से पेश आएँ। ये तो बहुत गलत बात है कि जो लोग मतदान नहीं करते हैं। तो सभी पढ़े लोगों से, सभी पढ़े लिखे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अवश्य मतदान करें। मैंने पहले ही बोला कि हमारे यहाँ एक एक मतदान हमारा ये पूरे देश की कृति रीति सब कुछ बदल सकता है। हमारे देश को पूरा विकास में बदल सकता है, हमारे देश को कहाँ ले आ सकता है, हमारे शहर को कहाँ ले आ सकता है, अपनी मानसिकता को बदल सकता है। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग, कोई ना कोई बिना छूटे, सभी लोग मतदान अवश्य करें। ये हमारी सभी भारत की जनता से विनम्र निवेदन है। वहीं दूसरी तरफ अधिवक्ता जगदीश सिंह ने कहा कि मतदान एक धार्मिक यज्ञ है, हमें जागरूक होकर मतदान करना चाहिए। एक एक वोट महत्वपूर्ण है, एक और एक 11 होते हैं। मतदान का महत्व तो बहुत बड़ा है, यह एक धार्मिक यज्ञ है। हमारे देश में मतदान देना हमारा परम कर्तव्य और अधिकार दोनों है, इसलिए मतदान सभी को जागरूक होकर देना चाहिए। अब ऐसी बात बहुत पहले थी, अब तो बहुत जागरूक हो गए हैं लोग। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि एक वोट से क्या होता है, एक ही वोट से 11 होता है, इसलिए मतदान अवश्य देना चाहिए। और ये बात कि एक वोट से क्या, पीड़ा, दर्द, बेबसी और मजबूरी से कातर इन आँखों ने जो हकीकत बयां की, उसे सुनने के बाद वह कहावत सही लगने लगी कि आदमी तभी तक ईमानदार है जब तक कि उसे मौका नहीं मिला। जी हां, निजामाबाद थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव की निवासिनी इस महिला का नाम सकीना है, जिनका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सिधारी शाखा में खाता है। अपने खाते में 50,000 रुपये जमा करने के लिए 26 फरवरी को शाखा आई थी। फार्म इन्होंने एक लड़की से भरवाया, जिसने फार्म अंग्रेजी में भरते हुए जमा राशि गलती से 10,000 रुपये दर्ज कर दिया। हालांकि इनके मुताबिक कैशियर ने इनसे 50,000 रुपये लिए और उसी 10,000 रुपये की पावती रसीद इन्हें थमा दी। 24 दिन बाद जब इनकी पासबुक प्रिंट हुई तो मामला उजागर हुआ। बैंक के चक्कर काटने के बाद जब यह थक गई तो इन्होंने SP से गुहार लगाई। SP ने मामले को गंभीरता से लेते हुए SOG टीम को जांच में लगा दिया है। जमा करने 50,000 रुपए और एक लड़की से लिखाए, वो इंग्लिश में लिख दी। हम इंग्लिश पढ़े नहीं हैं, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़े हैं, और इंग्लिश में लिख के दस्तखत करा दी, हमको दी कि ले जाइए। हम ले गए अंदर,
50 मतलब हज़ार रखे ऐसे हाथ में और कागज दे दिए उनके हाथ में। अब फिर चढ़ाने के लिए रोज़ दौड़ रहे हैं, आजकल आजकल तार बिगड़ा है ये, फिर घर आए तो नहीं मालूम। हम तो बोल सोचे कि चढ़ हो गया, जमा कर दिए हैं, जब चढ़वाने गए तब पता चला हमको, पता चला कि 10,000। हम कह रहे 10,000 कैसे, हम तो 50,000 आपको दिए हैं। तो सब इधर उधर इधर दौड़ने लगे, कोई कहे कट गया है, जो बैठे हैं चश्मा लगा वो कहते हैं कट गया होगा, नहीं है। और ये जो हाथ में लिया वो कह रहा है कि जिससे लिखाएं उसके ख़त्म चला गया। हमको कैसे उसके ख़त्म चला गया, पैसा हमारे हाथ में, वो देखी भी नहीं और कैसे चला गया। बस फिर उसके आगे कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन हम गए, फिर गए रोज़ दोबारा दोबारा दौड़ते रहे, मत चिल्लाइए मत यहाँ, वो पैसा अब नहीं मिलेगा। यही कुल रोज़ रोज़ करता रहा, हम परेशान हैं, जब से हम परेशाने हैं। और ये 50,000 रुपया लेके गई थी जमा करने, और उसके बाद वहाँ किसी लड़की से भरवाई, और वो जो है इनको 10,000 लिख के भर दी, और ये अपना आराम से कैशियर को पैसा दी, घर चली गई। और उसके बाद अपना खाते में चढ़वाने के लिए आगे रोज़ अपना जाती थी, तो बताए तार कट गया है तो सड़क बन रही है। तो 24 दिन के बाद इनका जो है जब चढ़ा तो इनको पता चला, जब पता चला तो हम भी जाने तो कि मतलब आपके खाते में तो 10,000 रुपया है, तो ये बताएं। तो हम भागे गए था वहाँ पे, उनसे कहे मैनेजर साहब से, मैनेजर साहब ने कहा कि ऐसा है कि जो ले आई थी वो हमने जमा कर दिया। तो हमने कहे भाई ये तो 50,000 रुपया हम भेजे हैं। तो उसके बाद जो हम गए सिधारी थाने पर, दो सिपाही लिवा के आए और वीडियो फुटेज देखा गया, तो अब हम लोग जो देखे वो 50,000 नज़र आ रहा है। मैनेजर साहब कह रहे हैं नहीं ये 10,000 है। तो उसके बाद जो हमने कहा सर ये कैसे कन्फर्म होगा कि 10,000 कि 50,000 है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये मोड़ी हुई नोट। हमने कहा नहीं सर ये अगर मोड़ेंगे तो खुल जाएगी क्योंकि ये रखी हुई नोट है। तो नहीं माने, तो हम आए यहाँ SP साहब के यहाँ दरख्वास्त दिए। SP साहब ने कहा कि जब थाने पर आप गए थे तो कोई कार्रवाई नहीं, तो यहाँ से हम SOG टीम को लिखते हैं, तीन लोगों को ही भेजे यहाँ से। तो जब तीन लोग गए जाँच करने तो मैनेजर साहब ने कहा कि वो तो डिलीट हो गया, और जब डिलीट हो गया है तो अब जो आप क्या देखेंगे। तो हमारे पास जो है फ़ोटो पड़ा था, हमले सिपाही फ़ोटो लिए थे थाने से, वो फ़ोटो SOG टीम को हमने दिखवाया। तो आप लोगों ने देखा तो देख के कहा कि भाई ये तो 10,000 नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि CC फुटेज जो उनके पास कैमरे हैं वो एक लोग नहीं 10 लोग देखें, अगर उसमें हमारा 50,000 निकलता तो 40,000 हमको वो दे दें, बस हम यही चाहते हैं। पुलिस ने कहा कि भाई ये जाँच का विषय है, SOG टीम और जाँच का।